कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी चाहत का भी तो जरिया बदल गया, नहीं बदला मेरा शकल नहीं बदला मेरा किरदार, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपको फिर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक सिखाने चल रहे हैं, कैसे नोट को देखा जाता है। क्योंकि नोट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के नोट्स होते हैं, कभी ये नोट निकालो, कभी वो नोट निकालो, कभी टोटल नोट निकालो, और आप वहाँ पे फार्मूले कन्फ्यूज कर जाते हो। क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है लेकिन आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है। और कहते हैं दिमाग वही होता है जो समय पे काम आए। अगर दिमाग समय पे काम नहीं आया तो बहुत दिमाग रह के भी बेकार है। आइए आपको सिखाते हैं। टोटल नोड इज इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, राइट? और बच्चों टोटल नोड निकालने का फार्मूला होता है एन माइनस वन। अगर एन माइनस वन आप कर दिए तो आपका टोटल नोड निकलेगा, ध्यान रखना। एग्जाम में आपके आता है क्वेश्चन रेडियल नोड कितने पाए जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंगुलर नोड कितने होते हैं, हो सकता है वो रेडियल नोड एंगुलर नोड न पूछे, कई बार ये पूछ लेता है बताइए इसमें टोटल नोड कितना होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन को फेस करने के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। टोटल नोड निकालना है तो एन माइनस वन, व्हाट इज एन? एन इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें क्या ऐसी वैल्यू यहां पर पुट अप करें जो एन माइनस वन के बराबर हो जाए? तो देखना, अगर हम इसे लिखें एन माइनस वन तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एन माइनस वन हमें लाना है, तो एन माइनस वन माइनस एल प्लस इसके लिए एल। एल क्या है? एल इज ए एक्सिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? क्योंकि क्वांटम नंबर चार तरीके के होते हैं, हमने आपको बताया था। नहीं पता है तो फिर उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए भी आपको ट्रिक सिखा देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्सिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, राइट? जिनको नहीं आता परेशान ना हो, उसके लिए नया वीडियो बना के एक नया ट्रिक दे देंगे, आपको याद हो जाएगा। और क्वांटम नंबर निकालने का भी ट्रिक सिखा देंगे, ठीक है? समझना, टोटल नोड निकालना है तो एन माइनस वन, रेडियल नोड निकालना है तो एन माइनस वन माइनस एल, ठीक है? और एंगुलर नोड के लिए एल, यानी जितना एक्सिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतना ही आएगा एंगुलर नोड, राइट? तो ये सर इसके बराबर कैसे हो गया? हो गया बच्चों, देखो माइनस एल प्लस एल सही हो गया। तो एन माइनस वन आप रखेंगे, रेडियल नोड निकालना है तो ये फार्मूला रखेंगे, एंगुलर नोड निकालना है तो ये फार्मूला रखेंगे, ये टोटल नोड का फार्मूला एन माइनस वन अगर टोटल नोड पूछे तो, रेडियल नोड का फार्मूला एन माइनस वन माइनस एल, दैट इज द फार्मूला ऑफ रेडियल नोड, ठीक है? ये किसके लिए है? रेडियल नोड के लिए। और केवल एंगुलर नोड पूछे तो ये फार्मूला है ओनली एल, यानी जितना एक्सिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतना ही आएगा एंगुलर नोड की वैल्यू ऑलवेज, ठीक है? सर अगर हम भूल जाएं कि एंगुलर नोड और रेडियल नोड में कैसे फार्मूला, अगर भूल गए तो नहीं भूलोगे बच्चों। देखो ना ये क्या है, एल है, तो जरा एल इस एल को लिखो तो बताओ, एल लिखोगे तो ये एंगल बन गया, एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है? यानी एल में थीटा आएगा, एल में एंगल आएगा, और एंगल आ गया तो एंगुलर हो गया, ठीक है? एंगुलर, एंगुलर के लिए एल, ठीक है? बाकी जो बच गया रेडियल और टोटल के लिए एन माइनस वन, ठीक है? तो चो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फिर आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।